नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप लोगों के कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो आप लोगों का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं कि आप लोगों को सिलेबस आप लोगों के कहाँ से क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताएंगे और साथ साथ बताएंगे आप लोगों को कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और कैसे और कहां से जो है आप लोग इस एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ साथ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है कि आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन कब कराया जाएगा। तो पूरी की पूरी जो आप लोगों की क्वेश्चंस हैं दिमाग में चल रही हैं सबके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और साथ साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के लिए पोस्ट, कितने पोस्ट और कितने डिटेल्स, कितने कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट में आपके कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं, और फिर बात करने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम पैटर्न के कि किस पैटर्न के हिसाब से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों का एग्जाम सिलेबस क्या होने वाला है और जो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों की सैलरी क्या होने वाली है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों के एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट कब होंगे, कब आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा। तो पूरी की पूरी छह पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके एक पॉइंट्स को कवर अप करते हैं, फटाफट जो है डिटेल आपको बता देते हैं। तो देखिए पहला जो डिटेल आप लोगों के लिए है कि वैकेंसी डिटेल, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए कैटेगरी नंबर 18 की वैकेंसी है ये, ठीक। और ये जो वैकेंसी जो एग्जाम करा रही है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही करा रही है, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट ही खुद ये एग्जाम जो है कंडक्ट करा रही है HSSC के थ्रू, ठीक है। पोस्ट का नेम आप लोगों के लिए जैसे पता है कि सब इंस्पेक्टर जनरल है आप लोगों का, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आप लोगों का होने वाला है। अगर आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होता है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ही आप लोगों को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रखा जाएगा। सैलरी जो आप लोगों की होने वाली है वो होने वाली है EPL 2 में कितनी सैलरी होती है वो आपको आगे वीडियोज में देखने को VC वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सिलेक्शन आप लोगों का होने वाला है ये होगा आपके रिटर्न एग्जामिनेशन पे। तो रिटर्न एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कीजिए उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन होगा, मतलब ऑनलाइन कुछ भी नहीं होने वाला। OMR सीट बेस्ड जो है आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा, तो OMR सीट बेस्ड जो है आपका एग्जाम कराया जाएगा। चलिए सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए डिटेल जो आप लोगों का पोस्ट है, तो टोटल 433 पोस्ट है आप लोगों के लिए सब इंस्पेक्टर जनरल के लिए जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में निकाला गया है कैटेगरी नंबर 18 में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक हर कैटेगरी का जो है अलग अलग दिया गया है। तो जनरल कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए टोटल 189 जो है पोस्ट रखे गए हैं। SC कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 86 पोस्ट यहाँ पे 433 में रखे गए हैं। BCA कैटेगरी में 69 पोस्ट है, BCB कैटेगरी में 46 पोस्ट है और EWS कैटेगरी में टोटल 43 पोस्ट है। तो जनरल वालों के लिए बहुत अच्छा है कि 189 और 43 लगभग आप लोग समझ लीजिए कि 232 पोस्ट के लिए आप लोग का यहाँ पे मजेदार सिलेक्शन हो सकता है, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। जो कि EWS में होंगे तो जनरल में भी फाइट कर सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं तीसरा पॉइंट जो कि आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तीसरा एग्जाम पैटर्न किस हिसाब से आप लोग का एग्जाम आएगा, क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाएंगी, क्या क्या डिटेल्स होने वाली है उसके बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यही बोल रहे थे सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ हरियाणा सब इंस्पेक्टर जनरल कैटेगरी नंबर 18 विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, वो तो आपको पता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 मार्क्स, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा वो आएगा आपका 100 मार्क्स का। द स्कीम ऑफ मार्क इन डिस्ट्रीब्यूशन, जो 100 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है वो ये है कि पहले 90 मार्क्स के जो है आप लोगों के रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाले हैं जैसे कि आप लोगों को पता भी है, और 10 मार्क का आप लोगों का सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और साथ साथ एक्सपीरियंस के नंबर यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं 10 में। तो टोटल 100 का ये क्राइटेरिया रखा गया है एग्जाम पैटर्न कि 90 नंबर आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में होंगे और 10 नंबर जो है आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो आपको मिलेगा, और एक्सपीरियंस आपका कितना है उसके बेसिस पे आपको 10 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। साथ में बात कर लेते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को एग्जाम के लिए क्या से और कैसे पढ़ाई करनी है। तो देखिए एग्जाम सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि आप लोगों को हरियाणा, ध्यान से देख लीजिएगा, हरियाणा सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लोगों को पूरी की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, क्या इसका
किसने स्टार्ट किया, असेंबली में कब आया, कब इसके बारे में हरियाणा सरकार ने इसको जारी किया, क्या किया, सब कुछ मतलब ए टू जेड, जीरो से लेकर 100 तक और ए से लेकर जेड तक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में रखनी पड़ेगी। ये आपका होगा सेपरेट थिंग। और जो 90 नंबर मतलब ये 90 नंबर में ये भी आएंगे, लेकिन और जो सिलेबस है वो मेनली सबके सेम होने वाले हैं, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की किसी भी भर्ती को एग्जाम देते हैं उसके लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए 90 नंबर में जो 75% वेटेज होने वाला है वो होगा आपका जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स, मैथ्स का, साइंस का, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी एंड कंसर्न जो भी आपको रिलेटिव सब्जेक्ट्स होंगे उसके लिए। और साथ साथ जो 25% आप लोगों का वेटेज होने वाला है वो होगा आपके हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंटल, कल्चर एंड ईटीसी ऑफ द हरियाणा। तो टोटल जितने भी हरियाणा, हरियाणा जीके, हरियाणा हिस्ट्री, हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा लिटरेचर, हरियाणा जियोग्राफी, हरियाणा सिविक्स, हरियाणा इन्वायरमेंट एंड हरियाणा कल्चर के बारे में आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, पूरी इस चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आपको 25% यहाँ से आएंगे क्वेश्चन 19 मार्क्स में से, और 75% जो है आपके इस सिलेबस में से आएंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उम्मीद है कि आपको कम से कम 10 क्वेश्चन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जरूर ही जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो भी कवर अप करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा समझाएंगे कि यहाँ से क्या कैसे पढ़ना है, पूरी डिटेल्स भी आप लोगों के लिए बनाई जाएगी। और होपफुली अगर उम्मीद रहेगी तो 20 दिसंबर के बाद से आप लोगों के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी एक नया क्लासेस जो है ओपन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग की सैलरी जो है वो कितनी होने वाली है, इतनी मेहनत करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, रनिंग करेंगे, पीएचडी करेंगे, सब कुछ करने वाले, आपकी सैलरी जो है वो कितनी होने वाली है। तो सैलरी जो आप लोगों की पे स्केल है वो होगी एफसीएल, ठीक है, पे स्केल यहाँ पे हमने देखा था कि पे स्केल क्या बताया था, ईपीएल, ठीक है, पे स्केल जो आप लोगों का होने वाला है वो ईपीएल, ईपीएल 2 आप लोगों का पे स्केल। इस ईपीएल 2 के पे स्केल में आप लोगों को मिनिमम जो है वो 25,000 रुपए मिलते हैं, मिनिमम 25,000 रुपए, और मैक्सिमम जो होगा वो लगभग 81,100 रुपए, लगभग 81,100 रुपए तक आप लोगों का होने वाला है। तो मिनिमम 25,000 से लेके 81,000 रुपए तक के आप लोगों का यहाँ पे वेतन होने वाला है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी भर्ती है, इसमें आप लोगों को फॉर्म भरा भी होगा, तो आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए, अब देरी मत कीजिए, क्योंकि अब लगभग 1 से 1.5 महीने का जो है समय लगभग सिर्फ बचा हुआ है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो कब तक रिलीज किया जाएगा और आप लोग एग्जाम कब तक कराए जाएंगे। तो एडमिट कार्ड के लिए जो आप लोग का इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रहा है, तो एडमिट कार्ड जब भी निकलता है एग्जाम डेट से लगभग 10 दिन पहले तो निकाल देते हैं, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को आज का थोड़ी सी 5 दिन पहले जो है वो एग्जाम डिटेल एडमिट कार्ड निकालती है। तो उम्मीद करते हैं कि 5 दिन पहले जो है 5 days before आप लोगों के लिए 5 days before जो है एडमिट कार्ड निकाल देगी, ठीक, एडमिट कार्ड निकाल देगी। अब एग्जाम डेट कब होने वाला है, तो एग्जाम डेट जो है ऑफिशियली अभी नहीं अनाउंस किया गया है, लेकिन उम्मीद यह है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2022 में जो है आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर अंतिम जनवरी के लास्ट महीने में या तो फरवरी के शुरुआत के महीने में जो है आप लोगों का ये इसका एग्जाम कराया जाएगा, उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए। अगर जनवरी लास्ट मंथ पे आता है तो एडमिट कार्ड आपका लगभग जो है वो 25 जनवरी तक अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, 24-25 तक, और अगर आपका फर्स्ट फरवरी में आता है तो आप समझ लीजिए कि 30 जनवरी से लेते हुए 1 जनवरी के बीच में जो है आप लोगों का यहाँ पे एडमिट कार्ड के अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। तो ये रही आप लोगों की पूरा डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन, अभी के लिए इतना ही। और सबसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत बड़ा अपडेट बता दें कि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए HSSC मैथ्स, ठीक है, HSSC मैथ्स और साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जितने भी इन्फॉर्मेशन चाहे वो हरियाणा जीके से आते हों और चाहे जो भी आते हों, अभी देखिए हम इतने कैपेबल नहीं है कि आप लोगों के लिए बड़े बड़े लेक्चर्स निकाल लें, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस मेहनत को आप सपोर्ट करेंगे। हम लेटेस्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए चलाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप लोग ध्यान से नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है वो हम चलाने वाले हैं, किसके लिए, फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलने वाली है, जो कि बिलोंग करेंगे आपके HSSC के सिलेबस के ऊपर। हर सब्जेक्ट जो है आप लोगों को नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनमें से आप लोगों को मैं उम्मीद बता देता हूं कि 70% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी सॉल्व नहीं किए होंगे या कभी आपने क्वेश्चन वो नहीं देखे होंगे। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपके लिए बनाए जाएंगे। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर इस क्वेश्चन को आप लगातार
अपलोड किए जाएंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए और पूरा का पूरा हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, अभी के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।